हाय फ्रेंड्स, वेगरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं शाही पनीर का रेसिपी बनाने जा रही हूँ। बहुत ही कम सामग्री में बनकर झटपट तैयार हो जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आइए आपको रेसिपी दिखाती हूँ। हमने गैस पर फ्राई पैन रख दिए है, अब मैं गैस ऑन कर लेती हूँ। फ्राई पैन हमारा गरम हो गया, अब इसमें मैं एक चम्मच तेल डाल देती हूँ। तेल हमारा गरम हो गया है, अब कुछ मैं खड़े मसाला डाल रही हूँ, जैसे ये दालचीनी, लौंग, दो लौंग है, दालचीनी है, इलायची है, ये सबको मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब इसमें आप ये तीन प्याज है कटा हुआ, अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ। दो हमने प्याज को बारीक काट लिया है, इसलिए मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और ये सबको अच्छे से मिला दीजिए, 5 मिनट तक इसे ढक्कन लगा दीजिए। अब ढक्कन को निकाल कर देखते हैं। प्याज हमारा नरम हो गया है, अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब ये ठंडा हो जाए तो आप मिक्सी में इसे पीस लीजिए। अब हम कुछ लहसुन का कलियां इसमें रोस्टेड कर लेते हैं। हमारा लहसुन रोस्टेड हो गया है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसे भी इसके साथ पीस लेती हूँ अच्छे से। ये देखिए, हमने पेस्ट पीस लिया है। अब हमने कढ़ाई गरम कर होने के लिए रख दिए हैं। कढ़ाई हमारा गरम हो गया, अब मैं इसमें 2 चम्मच तेल डालती हूँ। थोड़े से इसमें जीरा डालते हैं, 1 तेज पत्ता इसमें डाल रहे हैं। थोड़े से हम इसमें कस्तूरी मेथी डाल रहे हैं। अब इसमें हमें हल्दी पाउडर मिला रहे हैं। 1 चम्मच मैं धनिया पाउडर इसमें डाल रही हूँ। थोड़े से कस्तूरी मेथी इसमें डाल रही हूँ। हमने कश्मीरी लाल मिर्च के जगह कस्तूरी मेथी बोल दिए। सबको आप अच्छे से मिला लीजिए। अब हम पिसा हुआ पेस्ट इसमें डाल देंगे। ये सबको अच्छे से आप मिला दीजिए। इसे मिलाते वक्त आप गैस को मीडियम ही रखें। अब हम 5 मिनट तक इसे ढक्कन से ढक देते हैं। 5 मिनट हो गया, ढक्कन हम उतार के देखते हैं। अब इसमें हम कुछ उबले हुए मटर डाल रहे हैं। और इसे आप अच्छे से मिला दीजिए। अब आप 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा दीजिए। 5 मिनट हो गया, ढक्कन हटाकर देखते हैं और इसे चला लेते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच क्रीम डालेंगे। अब इसे अच्छे से आप मिला लीजिए। 2 मिनट के लिए आप फिर से ढक्कन लगा दीजिए। 2 मिनट हो गया है, अब मैं ढक्कन हटाकर देखती हूँ। ऐसे चलाकर आप 4 चम्मच हमने इसमें दही डाल रहे हैं। और अब इसे आप अच्छे से मिला लीजिए।
मिलाते हुए ही आपको इसे पकाना है, नहीं तो इसमें दही मिलाते हुए ही आपको इसमें पकाना है, नहीं तो दही फट सकती है। नमक आप स्वाद अनुसार डालें और इसे मिलाते रहें। 5 मिनट हो गया मुझे इस मसाले को मिलाते हुए। अब मैं इसमें पनीर डाल रही हूँ। ये 200 ग्राम पनीर है और इसे से और अच्छे से इसे मिला लीजिए। और अब इसमें 1 गिलास आप दूध डाल दीजिए और सबको अच्छे से आप मिला लीजिए, आ दीजिए। अब आप 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा दीजिए। ढक्कन हमने हटा दिया है। शाही पनीर हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसे निकालकर सर्व करके आपको दिखाती हूँ। शाही पनीर बनकर तैयार हो गया है। अब आप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।